वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वैसे तो जो दुआएं वज़ाइफ मैं बताया करता हूं उसकी उमूमी इजाज़त होती है, स्पेसिफिक किसी एक को इजाज़त देना ज़रूरी, किसी एक को दे भी दी तो आप जो जितने भी लोग सुनते हैं तो मेरी तरफ से सबको दिली इजाज़त होती है, वो मेरे जो वज़ाइफ कर सकते हैं, अगर उस सेम उनका मसला है तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, बस औकात लोग कहते दिन हो गया हमें तो पता ही नहीं चला, वो आपको नहीं पता चला लेकिन तब्दीली अपना काम कर रही है, क्योंकि बस औकात इंसान की रूह के ऊपर कसाफत होती है, गंदगी होती है तो कसाफत साफ लगने में टाइम लग जाता है। जैसे मैले कपड़े पे खुशबू छिड़कें तो वैसी खुशबू नहीं फूटती जैसे जो उजले धुले पे होती है। इसका मतलब अल्लाह पहले रूह को उजला धुला करते हैं उस नाम की बरकत से, अब जब वो मुजक्का हो जाती अब ये नाम जो है वो अपनी खुशबू को जाहिर करता है। तो इसलिए नाज़रीन उसमें भी परेशान ना हुआ करें कि ये हो गया अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हो रहा, क्योंकि अल्लाह का नाम है वो असर कैसे ना करे। अब शहद का लफ्ज़ बोले तो मुंह मीठा हो जाता है, लीमू बोले तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये दुनिया की मामूली चीज़ें अब इतना असर रखती हैं कि नाम लो तो मुंह में पानी आए, तो अल्लाह का नाम असर नहीं कर रहा, कर रहा है। हमारी रूह का जो ताल्लुक अल्लाह से उसमें कमी है असल में, उसकी सफाई हो रही है। वो जब शफाफ आईना हो जाएगा अब चेहरा आपको साफ नजर आएगा, गोया कि अब उसकी तासीर जाहिर होगी। दुबई से बात कर रहे हूँ मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे इंडिया में थी जब बात की थी आपकी, माशाल्लाह आपकी वजह की वजह से मैं दुबई आ गया अपने शोहर के पास। अभी यहाँ आने के बाद मेरा मसला ये है मुफ्ती साहब की आपकी दवा से तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी जिंदगी बहुत बहुत खुशहाल हो गई, मैं अपने शोहर के पास आ गई, बहुत बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये चाहती हूँ कि अभी आने के बाद आपको मालूम यहाँ पर बहुत खर्चे हैं, मेरे वीजा लगना, बच्चे हैं मेरे, और मेरे शोहर नया बिजनेस खोले तो हर महीने एटलीस्ट मेरे शोहर को 50,000 दिरहम तो खर्चा है ही है। तो उसके लिए मुझे कुछ वजह बताया जिसकी वजह से मेरे को ये मेरे शोहर को उनके बिजनेस में इतने मुनाफा होते रहे ताकि हम लोग का सब खर्चा निकले और मैं अपने शोहर के पास ही रहूँ यहाँ पर। और मेरे प्रेगनेंसी के लिए भी कुछ मुझे बताया कि मुझे प्रेगनेंट हो जाऊँ मैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया और मुबारक हो कि माशाल्लाह अल्लाह के कलाम ने असर दिखाया और आप अपने शौहर के बाद दुबई पहुंच गई हैं और खैर व खुशी के साथ उनके साथ हैं। मज़ीद अल्लाह तबारक व ताला खुशहालियाँ अता फरमाए, मैं दिल से दुआ करता हूँ। उसके लिए अब आप दो अमल करें, एक सूरह कहफ, सूरह कहफ जो है 7 मरतबा रोज़ाना तिलावत करें, 7 टाइम, 7 टाइम तिलावत करें 7 डेज तक, जुमेरात को थर्सडे को शुरू करें और थर्सडे को ख़त्म करें। तो गोया कि ये 7 टाइम सूरह काहफ का अमल शुरू कर लें, 7 डेज तक काम ना हो फिर 7 डेज और बढ़ा लें, फिर और बढ़ा लें, गोया कि 3 7 डेज 21 डेज तक का ये अमल है। इंशाल्लाह ज़बरदस्त माली खुशहाली पैदा होगी। पानी पे दम कर लें, पानी घर में छिड़के भी, शोहर को पिलाएं, खुद भी पिएं, उनके अगर दुकान कारोबार है उस वहाँ भी पानी छिड़क दें ऊपर ऊपर दीवारों पर, ये अमल कर लें खुशहाली के लिए। और दूसरा प्रेगनेंसी के लिए सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत, यह आपने जो है 41 टाइम पढ़नी ईशा के बाद, पानी पे दम कर लें, मियाँ बीवी दोनों आधा आधा ये पानी पिए, अव्वल आखिर 11 मरत दुरूद शरीफ, और ये 90 डेज़ की नीयत से आप शुरू कर लें, नागी दिन बाद में पूरे करने हैं, इस तरीके से 90 डेज़ करें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से बहुत जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया।